हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं गौरव मिश्रा इस सीरीज में आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कब, है क्या? द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार ये दिया था जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस में, जिसको कहा जाता है डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस 1956 में। उस समय जॉन मैकार्थी और उनके साथ कुछ लोग के बीच में डिलिब्रेशन हुआ था और पहली बार ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था। जॉन मैकार्थी को ही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कंसिडर किया जाता है, उन्हीं को ही कहा जाता है कि वो फादर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसमें दो टर्म्स हैं। कौन कौन से? एक है आर्टिफिशियल और दूसरा है इंटेलिजेंस। तो अगर इन दो टर्म्स को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की डेफिनेशन को हम लोग समझा सकते हैं। पहला, आर्टिफिशियल है क्या चीज? आर्टिफिशियल इट मींस दैट इट इज मेड एज अ कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल। कोई चीज जो नेचुरली हमारे पास है उसकी हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर जो दूसरा शब्द है इंटेलिजेंस, आखिर वो इंटेलिजेंस है क्या? क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है? क्या सचिन तेंदुलकर वो इंटेलिजेंट है? क्यों? क्योंकि वो शायद अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, उनके अंदर रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और कौन हो सकता है? लता मंगेशकर, क्या वो भी इंटेलिजेंट है? वो शायद इसलिए क्योंकि वो अच्छा बहुत गाना गाती हैं। चलिए, इन दो मशहूर हस्तियों के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, पर क्या आप इंटेलिजेंट हैं? अच्छा, आप भी इंटेलिजेंट हैं, आखिर क्यों? अच्छा, आप अच्छा चेस प्लेयर हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट हैं, आप सुडोकू खेलते हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो अगर हमने जो अभी प्रीवियस जस्ट डिस्कस किया हुआ है इसको देखें तो हमारे पास दो तरह की चीजें निकल के आ रही है। क्या? इंटेलिजेंस इन थॉट, चेस का गेम है, सुडोकू का गेम है, हम उसमें सोच रहे हैं, और अगला कौन सा चाल चलेंगे चेस के खेल में वो हमें शायद मेंटली सोचना पड़ रहा है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हमने लिया था तो हमने बात उनके रिफ्लेक्सेस की थी, तो दूसरा हमारा क्या हो गया? इंटेलिजेंस इन एक्शन। तो हम दो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्या? इंटेलिजेंस इन थॉट और इंटेलिजेंस इन एक्शन। इसको फर्दर डिफाइन किया जा सकता है, बट एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन हम लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। दो और स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास हैं। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम सीधे चाहते क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की तरह कोई इंटेलिजेंट हो। तो अगर हम बात करें तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स टू बी इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? उनकी तरह बिहेवियर हमारे पास होना चाहिए। पर क्या वास्तव में ह्यूमन बीइंग्स हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं? कभी कभी ऐसे भी वो एक्शंस करते हैं जिसको शायद हम लोग इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। जैसे आप एज अ स्टूडेंट, क्या अभी आपने कभी क्लास तो नहीं बंक किया हुआ है? और अगर आपने क्लास बंक किया हुआ है तो क्या हम इसको इंटेलिजेंट कहेंगे? तो दूसरा हमारे पास क्या डायमेंशन निकल के आता है? रैशनल बिहेवियर या आइडियल बिहेवियर। तो अगर हम इसको देखें तो मेरे पास दो डायमेंशन निकल के आ रहे हैं। या तो हम चाहते हैं हम उसको सोचें इंटेलिजेंस के बारे में, या हम बिहेवियर का मतलब एक्ट करें। दूसरा, हम चाहते हैं ह्यूमन लाइक परफॉर्मेंस हो, या दूसरी तरफ हमारे पास है कि वो आइडियल परफॉर्मेंस हो। तो अगर हमारे पास यहां पे चार क्वाड्रेंट निकल के आ रहे हैं और इन्हीं चार क्वाड्रेंट के बेसिस पर हमारे पास शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट देखते हैं। यहां पर हम क्या चाहते हैं? ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो थिंक करें ह्यूमन बीइंग्स की तरह, यानी कि थिंक लाइक ह्यूमंस। एक क्वाड्रेंट में यह है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? थिंक आइडियली, सिस्टम्स दैट थिंक आइडियली या रैशनली।
अगर इस क्वाड्रेंट में हम देखें कंप्यूटर सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस, और चौथे क्वाड्रेंट को हम देखें ऐसे सिस्टम्स जो एक्ट करे आइडियली या रैशनली। ठीक है, आई थिंक ये चार क्वाड्रेंट्स हमें समझ में आ रहे होंगे, और इन्हीं चार क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर हमारे पास अलग अलग लोगों ने, जैसे बेलमैन ने, रिचर्ड नाइट ने, विंस्टन ने या निल्सन ने, और भी लोगों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दिया हुआ है। तो इस तरीके से आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश की थी है। अगले लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही मजेदार टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं ट्यूरिंग।